कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बीआरएस के बड़े नेता फार्म हाउस में बैठकर सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में गरीब और गरीब होता जा रहा है तथा सत्तारूढ़ पार्टी अमीर होती जा रही है। उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि अगर बीआरएस फिर से सत्ता में आई तो सरकार फार्म हाउस से चलेगी और भू शराब माफिया राज्य पर शासन करेगा तथा रोजगार का कोई अवसर उपलब्ध नहीं होगा। 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करते हुए उन्होंने पार्टी द्वारा घोषित 6 गारंटी को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा तेलंगाना के बड़े नेता अपनी हवेलियों और फार्म हाउस में बैठे हैं तथा सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा इसके सभी बड़े नेता हवेलियों में बैठे हैं, उनकी सभी नीतियां केवल बड़े व्यवसायियों के लिए हैं। उनके पास छोटा व्यवसाय करने वाले लोगों, मध्यम वर्ग, गरीब, दलितों और आदिवासियों के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा जब चुनाव आता है तो वे चुनाव प्रबंधन शुरू कर देते हैं। उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए कि तेलंगाना के लोग बिकने के लिए नहीं है। यह आरोप लगाते हुए तेलंगाना के लोग के सपने चकनाचूर हो गए। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार में ऊपर से नीचे तक हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। यहां तक कि कालेश्वरम सिंचाई परियोजना सहित कोई भी परियोजना वास्तविक रूप से पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि भाजपा तेलंगाना में बीआरएस सरकार का समर्थन करती है जबकि बीआरएस दिल्ली में भाजपा सरकार का समर्थन करती है तथा उनके तीसरे दोस्त असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM राज्य में दोनों का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि AIMIM अन्य राज्यों में 40 से 50 सीट पर चुनाव लड़ती है लेकिन तेलंगाना में वह केवल 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है। कांग्रेस नेता ने कहा ये तीनों दल एक तरफ है और कांग्रेस दूसरी तरफ है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है और उसने देश की संपत्ति अपने उद्योगपति मित्रों को दे दी है।